बीकानेर से अहम खबर है, यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहतर अनुसंधान पर देता है ये पुरस्कार और इस बार राजस्थान के 9 लोगों को ये अवार्ड मिलेगा, जिसमें अमित कुमार एसपी प्रतापगढ़, अमित सिहा पुलिस निरीक्षक, पूनम चौधरी पुलिस निरीक्षक, गुमाना राम पुलिस उपाधीक्षक, गौरव यादव पुलिस उपाधीक्षक, सज्जन कुंवर पुलिस निरीक्षक, केवराज गुर्जर पुलिस उप निरीक्षक, पुसाराम हेड कांस्टेबल, मदनलाल मीना सहायक उप निरीक्षक सम्मानित होंगे। आईपीएस अमित कुमार को बीकानेर एएसपी के तौर पर चर्चित मोनालिसा हत्याकांड के अनुसंधान के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बीकानेर से संवाददाता लक्ष्मण राघव मासा जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बेहद अहम है ये, जहां बेहतर अनुसंधान के लिए पुरस्कार दिया जाता है और गर्व की बात है कि राजस्थान के 9 लोगों को ये अवार्ड मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर प्रेस्टीजियस तो है ही, जब यूनियन होम मिनिस्टर जो है मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन दे रहा हो, आप समझ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो अवार्ड है। और आप ठीक कह रही हैं श्वेता, 9 लोग यहां से सम्मानित हो रहे हैं और खास बात यह है इस पुरस्कार की, इसमें आईपीएस से लेकर हेड कांस्टेबल तक शामिल है, यानी जिन्होंने बेहतर अनुसंधान किया उसे अवार्ड मिल रहा है। आईपीएस अमित बुडानिया को अवार्ड मिल रहा है, सीआर को, तमाम नाम आप शायद स्क्रीन पर चला ही रहे हैं। एक खास बात ये भी है इस पूरे मसले में कि एक और चर्चित जो थानाधिकारी रहे उनको भी इसमें अवार्ड दिया जा रहा है कोटड़ी में। हालांकि एक मामले में उनको उस वक्त निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में आईजी लता मनोज ने इन्हें पुनः बहाल कर दिया और प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए निलंबित किया था, लेकिन उनके बेहतर काम के लिए उनको भी एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तो आप कह सकते हैं कि पुलिस के लिए प्रेस्टीज अवार्ड है और राजस्थान पुलिस के लिए आज डीजीपी ने भी सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। 9 लोगों को एक साथ अवार्ड, संभवतः देश का दूसरा राज्य है, एक राज्य और है जिसने इतने पुलिस कर्मियों को ये एक्सीलेंस अवार्ड और इन्वेस्टिगेशन मिला है। तो एक अच्छी कहिएगा पुलिस का परफॉर्मेंस राजस्थान पुलिस का, और इन तमाम लोगों को जो फर्स्ट इंडिया भी बधाई देता है, निश्चित तौर पर बेहतर काम करते रहे जरूरी है, खासी जो है आम आदमी में विश्वास जगाती रहे। बिल्कुल ठीक है आपने लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद अहम है जहां एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड है और राजस्थान से इस बार 9 लोगों को ये अवार्ड मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहतर अनुसंधान पर यह अवार्ड देता है और इसके लिए राजस्थान के 9 लोगों को चुना गया है।